मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी। मैंने इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का फैसला किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत भी होगी। तो हुआ कुछ ऐसे कि यूनिवर्सिटी के पहले ही हफ्ते में मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे जिनसे मोहब्बत हुई वो एक प्रोफेसर थे। दिखने में वो बहुत खूबसूरत नज़र आते थे, मुझे उनके जैसा कोई नज़र ही नहीं आता था। उनका नाम अजहर था और मैं अपनी दोस्तों को कहा करती थी कि ये मेरा क्रश है। वो सब मुझे कहा करती थी कि तुम पागल हो। वो सब लड़कियां मुझ पर हंसा करती थी, तो मैंने भी उन्हें हंस कर जवाब दिया कि क्रश तो क्रश होता है, चाहे वो जो भी हो। एक दिन मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो उन्होंने भी मुझे फौरन रिप्लाई किया, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आप कौन? उनके पहले मैसेज आने पर मैं बहुत खुश हुई। उस वक्त सर्दियों के दिन थे और कोई शाम के 7 बज रहे थे। मैंने दूसरा मैसेज टाइप किया और उसमें अपना तारुफ करवाया। उन्होंने मुझे ओके का रिप्लाई दिया। मैंने कुछ लेक्चर से रिलेटेड बात की उनसे। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अंदाज में मुझे जवाब दिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी और इतना खुश कि जैसे किसी को उसकी ज़िंदगी का मकसद मिल गया हो। उसके बाद मैंने उन्हें ओके गुड नाइट का मैसेज करके बात ख़त्म कर दी। यूं ही अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गई और उनके लेक्चर का इंतज़ार करने लगी। जब उनका लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैं बेहद खुश हुई और लेक्चर के सारे टाइम में मैं उन्हें देखती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया की बड़ी खुशी मिल गई हो मुझे। कुछ दिन छोड़कर मैंने उन्हें एक बार फिर से मैसेज किया, उनसे सलाम दुआ की, तो उन्होंने भी मेरे मैसेज का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैं बहुत खुश हो जाती थी कि ये तो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी बहुत जल्दी करते हैं। इस तरह मैं उनसे रोज़ बात करने लगी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं। वो मेरे हर मैसेज का रिप्लाई देते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप गाड़ी पर आते हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, जी जी मैं गाड़ी पर आता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैंने सुबह आपको गाड़ी में आते हुए देखा था, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, क्या आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तो उन्होंने जवाब दिया, व्हाई नॉट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्हें फौरन मैसेज किया कि आप मुझे कब गाड़ी चलाना सिखाएंगे, जबकि मुझे ड्राइविंग आती थी। उन्होंने कहा कि जब आप कहो। तो मैंने जवाब दिया कि कल सिखा दें, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ठीक है, मैं कल सिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि एक बात याद रहे कि कार सीखने के बाद मुंह भी मीठा करवाया जाता है। मैंने उन्हें हंसते हुए जवाब दिया कि क्यों नहीं। उन्होंने मुझे किस वाला इमोजी सेंड किया और मुझे कहा कि मुंह मीठा इस तरह होता है। मैं शर्मा कर बोली, अच्छा, पता नहीं उस दिन मैं क्यों खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी उनके पास चली जाऊं। बहुत मुश्किल से मेरी रात गुजरी ये सोच सोच के कि कल सुबह मैं उनसे मिलने वाली हूँ। क्या पहनूं, कौन सा स्ट्रॉलर लूं, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उन्हें मैं अच्छी लगूंगी भी या फिर नहीं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो रात गुजारना। बस मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी से सुबह हो जाए। सुबह हो गई। उस दिन मेरी ज़िंदगी की पहली मुलाकात थी किसी लड़के के साथ। मैं यूनिवर्सिटी गई और उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी की पार्किंग से मुझे पिक किया और कोई 1 से 2 घंटे की ड्राइव पर गए हम। उस लॉन्ग ड्राइव में हमने सलाम दुआ की, हाल वगैरह पूछा और हम में बहुत सी बातें हुई।
उनसे मैंने ये कहा कि आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं आपसे नंबर बढ़वाने की वजह से आपसे मिल रही हूँ। उन्होंने स्माइल की और नो कहते हुए सर हिलाया। मैंने उनसे पहली मुलाकात में बहुत सी बातें की। मैंने उन्हें बातों बातों में ये भी कहा कि अगर कोई आपको पसंद करता हो तो वो हंसने लगे और कहा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मैं भी हंसने लगी और कहा कि क्या मतलब है आपका। इस तरह हमारी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। यूं ही हमारे कॉन्टैक्ट का सिलसिला बढ़ता रहा। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के अलावा, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया, ये सब चलता रहा और वो बहुत अच्छे से मुझे जवाब भी देते रहे। तो पिछली मुलाकात में ड्राइव बीच में ही रह गई थी। एक दिन मैंने उन्हें याद करवाया कि आप तो मुझे ड्राइव सिखाने वाले थे। उन्होंने कहा, तो कब सीखनी है। मैंने कहा, जब आप कहो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको टाइम मैनेज करके बताऊंगा। मैं बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैंने उन्हें मैसेज किया कि क्या फ्री हैं आप। तो वो कहने लगे, जी जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें ड्राइव पे, आपने मुझे ड्राइविंग सिखानी थी, अगर आपके पास टाइम है तो। उनका मुझे फौरन मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट तक डिपार्टमेंट से निकल रहा हूँ, मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट की पार्किंग से पिक करूँगा। मैं बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि ओके ठीक है। मैंने अपनी दोस्तों को कहा कि तुम लोग जाओ, मैंने अपनी दोस्त से मिलना है, उसके लेक्चर हो रहे हैं, जैसे वो फ्री होती है तो मैं उससे मिलके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपनी दोस्तों से थोड़ा छुप छुप के मैं उनसे मिलने के लिए इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट गई और वो मेरा वहाँ गाड़ी में बैठ कर रहे थे। उस दिन मैंने उनसे दूसरी मुलाकात की। उस दिन भी ड्राइविंग बीच में रह गई और यूं ही हमारे दरमियान बातें होती रहीं। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और कुछ उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। ऐसे ही कोई 2 घंटे की ड्राइव की उन्होंने। उन्होंने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया और वो भी अपने घर चले गए। इस तरह मेरी उनसे रोज़ बात होने लगी। रात को रोज़ मैं उनसे बात करके सोया करती थी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करने लग गई थी। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा बातों बातों में बताया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें आई लव यू नहीं कहा था।